यस फ्रेंड्स, मेरे पास प्रोडक्ट है 1 kg 80 rupees की और मुझे इसकी 1 gram की प्राइस निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं इक्वल का साइन एंटर करूँगा, उसके बाद जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसकी अमाउंट को सिलेक्ट करूँगा, डिवाइड का फार्मूला लगाऊँगा और इसे मैं 1000 के ऊपर डिवाइड कर दूँगा। तो ये मेरे पास 0.08, ये मेरे पास 1 kg प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई है। ठीक है जी, अभी हमको मालूम करना है कि 40 rupees में कितने ग्राम प्रोडक्ट हमें मिलेगी या हम बेचेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे जी, 40 rupees डिवाइडेड बाय पर केजी, तो हमें कितनी कितने ग्राम प्रोडक्ट मिलेगी। 40 rupees में हमें प्रोडक्ट मिलेगी जी, 40 rupees में 500 grams। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है जी 500 grams, वो हमें 500 grams प्रोडक्ट जो है हमें कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, 500 grams को आप मल्टीप्लाई कर दें इसके 1 gram के रेट के साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी 40 rupees हमें पे करने, 40 rupees हमको पे करने। तो ये देखें जी फ्रेंड्स, 40 rupees हमें पे करने हैं। तो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेनेशन देता हूँ, मेरे पास जो प्रोडक्ट है उसकी जो वैल्यू है वो है 1 kg की 80 rupees। 1 gram की प्राइस निकालने के लिए मैं इसको 1000 के ऊपर डिवाइड कर दूँगा। तो 40 rupees में हमें कितने ग्राम्स मिलेंगे, मैं 40 को 0.008 के साथ डिवाइड कर दूंगा और 500 ग्राम्स हमें कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, तो मैं 500 ग्राम्स को 1 gram की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट किस तरह से हम सेल कर सकते हैं, किन रेट्स के ऊपर सेल कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।